Welcome dear students, I hope you are all fine. Yesterday we had completed the short questions of unit number 1 and today we will start extensive question on page number 13. First long question, explain the process of digestion of food in the mouth and in the stomach. खुराक को हजम करवाने में हमारा मुंह और हमारा मैदा क्या किरदार अदा करते हैं, आपने इसकी वजाहत करनी है. इसका आंसर है पेज नंबर 4 and 5. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट पैराग्राफ एंड स्टोमिक दिस वन. नाउ माउथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ. डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से स्टार्ट होता है. आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग. हमारे दांत खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करते हैं. द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा विच इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड. जुबान खुराक को सलाइवा के साथ मिक्स करती है जो कि सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं. सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च एंड शुगर. सलाइवा कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को स्टार्ट करता है. आफ्टर सम टाइम द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. कुछ देर के बाद खुराक मुंह के अंदर नरम और गीली हो जाती है. द टंग पुशेस द फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ. जुबान इस खुराक को मुंह के पीछे धकेलने में अहम किरदार अदा करती है. नाउ स्टमिक, आवर स्टमिक इज अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग. हमारा मैदा बड़ा जे शेप मस्कुलर बैग है. इट मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूस. ये खुराक को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है. द डाइजेस्टिव जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स मीट एग मिल्क पल्सेस एट्सेट्रा. ये डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाता है. द फूड स्पेंड अबाउट 4 hours इन द स्टोमिक. खुराक तकरीबन 4 घंटे मैदे के अंदर रहती है. द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमिक आल्सो कंटेन एन एसिड. स्टमिक के अंदर डाइजेस्टिव जूस के अलावा एसिड भी मौजूद है. द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड. ये एसिड जर्म्स को किल करने में अहम किरदार अदा करता है. इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. और ये डाइजेशन करवाता है प्रोटीन्स की. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप रोज़ का काम रोज़ याद करते होंगे और इसको नीट कॉपी के ऊपर लिखते होंगे.